पर्वत सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो स्वयं यशोदा मैया भी कान्हा को देखते हुए उसमें दिखाई दे, पूरा ब्रज मंडल विश्व देखा। यशोदा मैया देख करके और भयभीत हो गई, हे परमात्मा मेरे लाला के मुख में क्या हो गया, सब कुछ पूरा विश्व चराचर ब्रह्मा महादेव सब कुछ देखा। मैया बेहोश हो जाते हैं। श्याम सुंदर ने अपना मुख बंद किया, अपनी माया से उन्हें भ्रमित किया। मैया श्याम सुंदर कहने लगे, मैया अरे वो मैया कहाँ हो गो। मैया होश में आई और कहने लगी, लाला मैंने तेरे मुख में कछु देखो। कन्हैया कहने लगे, कछु ना मुख में कहा है। श्याम सुंदर ने दोबारा अपना मुख खोला और कहा, देख मैया मेरे मुख में कुछ नहीं है। मैया ने देखा मुख में कुछ नहीं, कहने लगी, लाला चल ये मेरी बूढ़ी उम्र है, बूढ़ी उम्र की जो आंख है आखिर को भ्रम हो जाता, चल अब तू घर चल। श्याम सुंदर को गोद में लेकर के मैया आई और भगवान भोलेनाथ को पता लगा श्याम सुंदर का अवतार हुआ है। दर्शन के लिए ब्रज में श्याम सुंदर के लिए दर्शन के लिए आए। भोला भंडारिया मोहन तेरी गली में हो, मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, एक झलक पानी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली द्वार पे मैया के अलग जगाया। अरे ओ मैया बार बार कहा, मैया अपने लाला के स्नान करा करके श्रृंगार में लगे थे। भगवान श्याम सुंदर समझ रहे थे कि प्रभु दर्शन के लिए आए हैं, मैया नहीं सुनती है, उनकी योग माया आई और उसने पूर्णमासी भुआ का रूप धारण करके और कहा, यशोदा देखो तेरे द्वार पर कोई बड़ी महात्मा आए हैं, चल दर्शन कर, बहुत सारी बच्चा लेकर के आए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैया हमें तो तू अपने लाला के दर्शन करा दे बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए, ये धन दौलत सब तू ही ले जा और हमसे ले जा, और श्याम सुंदर के दर्शन चाहते हैं बस और कुछ नहीं चाहते। यशोदा मैया कहने लगी, बाबा
मेरे काना के लिए ना जाने कौन कौन आता है, वो सब धोखा करते हैं। कहीं पूतना भेष बना करके आती है, कहीं कोई आता है, कहीं कोई आता है। मेरे लाला ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम भी एक असुर हो सकते हो, मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? मैं अपने लाला को नहीं लाने वाले। पूतना लेकर के भागी, तृणाव्रत लेकर के भागा, सदकासुर आया, न जाने कितने कितने मेरे लाला के ऊपर को दृष्टि रखते हैं, इसलिए मैं नहीं लाने वाले। मैया हम लाला के दर्शन करके ही तभी जाएंगे। मैया ने कहा हम नहीं लाएंगे। भोले बाबा कहते मैया कभी तो लाएगी तू, हम यही बैठे रहेंगे। अच्छा हाँ, मैं कभी नहीं लाऊंगा। भोले बाबा ने कहा मैया दर्शन करा दो। कहने लगे दर्श कराए दे मैया, दर्श कराए दे मैया कृष्ण कन्हैया के, बिन दर्शन नहीं जाऊं अरज मेरी मैया से। दर्शन नहीं जाऊं अरज मेरी मैया के।
जाऊं अर्ज मेरी मैया से। सुन ले बाबा टपदारी तेरे गले में नागिन कारी, सुन ले बाबा टपदारी तेरे गले में नागिन कारी, अंगलक में बारक तैया डर जाए गो मेरो छैया, अंगलक में बारक तैया डर जाए गो मेरो छैया, लाल जगलाओ कैसे बिन दर्शन नहीं जाऊं अरज मेरी भैया से, बिन दर्शन नहीं जाऊं अरज मेरी भैया से, बिन दर्शन नहीं जाऊं अरज मेरी भैया से। कहा हे राजन, ये यशोदा और नंद बाबा पहले द्रोण नाम का बसु और उनकी धरा नाम की पत्नी थी। उन्होंने भगवान की बहुत तपस्या करी। जब जीवन पूरा समाप्त हुआ, तपस्या करते करते भगवान ने दर्शन नहीं दिए, तब एक दिन यज्ञ कुंड में वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हुए। जैसे यज्ञ कुंड में कूदने को हुए, शाह भगवान ने आकर के दर्शन दिए, कहा मांगो क्या चाहते हो। द्रोण और धरा ने कहा प्रभु हम आपको पुत्र रूप में चाहते हैं, आपकी बाल लीलाएं देखना चाहते हैं। भगवान ने वरदान दिया आगे तुम यशोदा और नंद बाबा बनोगे, मैं जन्म तो तुम्हारे नहीं लूंगा परंतु पुत्र सुख बाल लीलाएं सब मैं तुम्हारे यहीं करूंगा, तुम मेरे माता पिता बनोगे। ऐसा कह करके और चले जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन वही द्रोण और धरा यशोदा और नंद के रूप में आए। भगवान श्याम सुंदर उन्होंने बाल लीलाएं उनको सुख देते हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन आगे यान याने हगीताने तदाल चरताने चे दधेने मंथने काले स्मरन्ति तान गायत। एक दिन यशोदा मैया अपने कन्हैया के लिए मक्खन स्वयं निकालती हैं और अपने लाला के ही गुणगान करती हैं।
लाला जगे सवेरे और मंथन की आवाज सुन करके, चूड़ियों की आवाज सुन करके लाला जगे मैया के पास आए। मैया अपने लाला को गोद में लेकर के बैठी, दूध पिला रही थी। कन्हैया ने कहा, मैया एक बात पूछूं? मैया ने कहा, लाला एक नहीं दो पूछ। क्या बात है? मैं जे पूछ रहा हूं मैया, कि तो दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? मैया कहने लगी, लाला जी को पूछवे की बात है, दूध जो होता है वो लाला के काजा ही होते है। हाँ? बच्चे ही नहीं हो तो दूध कहां से आएगा? संसार में लाला के आगे कछु ना हुए, सबसे ज्यादा तो लाला ही प्यारा होता है। चूल्हे पे मैया का दूध रखा था, अग्नि जल रही थी। एकदम मैया बात कर रही लाला से, लाला दूध तो लाला के कान ही होते, पुत्र प्यारो होते है। लाला ने देखा, देखू तो सही। एकदम अग्नि ज्यादा हुई, दूध उपन्ने लगा, दूध चूल्हे से बहने लगा। मैया ने देखा, हे राम, दूध उपने लगा, लाला को एकदम छोड़ करके उतार करके दूध के लिए दौड़ी। कन्हैया कहने लगे, अभी तो कह रही कि लाला प्यारो है, अब लाला को धरती पे पटक करके और दूध के लिए भागी। श्याम सुंदर ने गुस्सा में आकर के, जो आंगन में दही की मटकियां रखी थी, दूध की मटकियां रखी थी, सबको भड़ा भड़े फोड़ दिया, फोड़ करके और बाहर भाग गए। मैया लौट करके आई, देखा आंगन में दही की कीच रही है। हाय दैया जी, सब का करती हो, सबरी मटकी फोड़ दी मेरी। और श्याम सुंदर के पीछे मैया छड़ी लेकर के भागती है। कहने लगे, कन्हैया रुक जा, दारी के तूने मेरी सभी मटकियां फोड़ डाली। कन्हैया भागते हैं, भागते मैया परेशान हो जाती है। लक्ष्मी मैया कहने लगी, देखो प्रभु क्या हो रहा है, आज एक मैया की छड़ी के मैं भाग रहे हो। कन्हैया कहने लगे, ये माता की छड़ी है, किसी का ये चक अस्त्र शस्त्र नहीं है, अस्त्र शस्त्र होता तो मैं काट देता, मैया की छड़ी नहीं कटाई आती। मैया हार गई। मैया कहने लगी, लाला रुक जा, लाला रुक जा। कन्हैया कहने लगे, मैया तू मारेगी? मैया ने कहा, मैं तुझे नहीं मारूंगी, रुक जा, मैं मारूंगी नहीं। लाला ने कहा, तू का करेगी मैया? मैं तेरी पूजा करूंगी। अच्छा, तो रुक जाता। श्याम सुंदर रुक गए और मैया ने उसका हाथ पकड़ा, कान पकड़ा, कहा दारी की अवती पूजा करोगे। कन्हैया कहेंगे, मैया तुम्हें तो मार रही है, तुम्हें तो कह रही पूजा करूंगी। हाँ दारी की पूजा करूंगी तेरी, चल अभी बताती हूँ तेरी। घाम में जाकर के एक उकल से बांध दिया और कहा, यही बना रहे अब, तू सब दिन घाम में बना रहेगा ना, तब पता पड़ेगा तूने कितना नुकसान किया मेरा। मैया ऐसा कह करके और बांधने लगी। जब जैसे ही रस्सी से बांधा, रस्सी दो आंगुल छोटी पड़ जाती थी। मैया ने और रस्सी जोड़ी, फिर भी दो आंगुल छोटी पड़ी। मैया ने और रस्सी जोड़ी, फिर भी दो आंगुल छोटी पड़ी। मैया कहने लगी, कन्हैया तू पेट को फुला देता है। मैया पसीना पसीना हो गई, कन्हैया नहीं बनते। कन्हैया ने कहा, माँ मैं बन जाऊं? हाँ बन जा। तब सभी रस्सियों को फेंक दिया, एक रस्सी में बंधे और वो भी बच गई। और मैया घबरा करके, गुस्सा होकर के छोड़ के चले गए। परीक्षित महाराज ने कहा, प्रभु श्याम सुंदर बनते क्यों नहीं, कितने भी रस्सी जोड़ ली तब भी वही दो आंगुल। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन संसार में दो आंगुल का अर्थ है संसार द्वैत है,
उस ब्रह्म जब तक द्वैत रहता है तब तक उस अद्वैत को बांध नहीं सकता। जब परमात्मा में एक हो जाए प्रेम से, परमात्मा प्रेम के बंधन में बनते हैं, द्वैत के में नहीं। जब तक द्वितीय भाव रहता है तब तक कोई नहीं बांध सकता, तब तक परमात्मा मिलता ही नहीं। इसलिए संसार उन्हें नहीं बांध सकता। मैया चली जाती हैं। ओलो खलांगे ग्रेरो परे विवाचितम कार्य कामं दरतम सचे इष्टतयम हयंगम चौर विसदचेण। नंद राजी के आंगन में यमला अर्जुन के दो वृक्ष थे, उनको पहले श्राप लगा हुआ था, उनका उद्धार करना था। श्याम सुंदर ने ऊकल को खींचा, दोनों वृक्षों के बीच में से निकाल करके वो झटका दिया, दोनों को उखाड़ करके जमीन पर पटक दिया। उन वृक्षों में से दो पुरुष निकले, दोनों ने श्याम सुंदर प्रार्थना करी, हे गोविंद आज तुमने हमारा उद्धार कर दिया। उनके गुणगान किया और स्तुति करके वो चले जाते हैं। परीक्षित महाराज कहने लगे, प्रभु वे दोनों पुरुष कौन थे? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन ये कुमेर के पुत्र नलकुवर मणग्रीव ये दोनों थे। एक बार कैलाश के समीप मंदाकिनी नदी में मदरा का पान करके ये दोनों विनंग होकर के निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे। नारद जी आए, उन्हें देख करके दूर से सीताराम महाराज दंडवत महाराज करने लगे, परंतु निर्लज्ज खड़े होकर के नारद जी ने श्राप दे दिया, दोस्तों तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम निर्वस्त होकर के स्नान कर रहे हो और हमें देख करके वैसे ही हमारा मजाक उड़ा रहे। उन्होंने श्राप दिया, जाओ तुम जैसे वृक्ष की नाई खड़े रहे हैं आप वृक्ष हो जाओ। तब नारद जी की प्रार्थना करे, नारद जी ने कहा कोई बात नहीं है, तुम आगे द्वापर में नंदराज जी के आंगन के वृक्ष बनोगे, वहां श्याम सुंदर तुम्हारा उद्धार करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। उसके बाद में वृक्षों की आवाज नहीं हुई। जब वो चले गए तब आवाज हुई धड़ाम, तब ग्वालों ने सुना, गोपियों ने सुना, दौड़ करके आए, अरे मैया अरे ओ मैया देख तो तेरे आंगन के दोनों वृक्ष थे वो गिर पड़े, लाला बीचों बीच बच गया, अगर वो लाला पे पड़ जाते तो कहा होते। मैया दौड़ करके आए और नंद बाबा भी आए। नंद बाबा ने देखा, हे भगवान इन वृक्षों से भगवान ने मेरे लाला को बचाया है, नहीं तो लाला के ऊपर गिर जाते तब क्या होता। नंद बाबा ने सभी ग्वालों को बुलाया और कहा, यहां गोकुल में मेरे लाला पे रोज नाना प्रकार के संकट आए रहते हैं, ये जगह हमारे लाला के लिए ठीक नहीं है, कहीं और अंत चलते हैं। तब कहने लगे कहां जाए, उन्होंने कहा यहां नहीं रहेंगे कहीं अंत जाएंगे। उन्होंने विचार किया कहां जाना चाहिए, तब उनके ग्वाल बालों ने कहा गंगा जी के यमुना जी के किनारे बिंद्रावन नाम का क्षेत्र है, उसमें हमारे लिए सभी प्रकार से सुविधा है, इसलिए वृंदावन में चले। सब अपन अपने सामान को
लेकर के और वृंदावन की ओर जाते हैं। मन चल वृंदावन धाम, चल वृंदावन धाम, हो रहेंगे श्याम जो को नाम मिले पहकम जब हरी हो
काश्यप्यं नवकानन गोप गोपी गवासेव्यं पुण्याद्रत रवीरुदमः। वृंदावन पशुओं के लिए अपने लिए सब तरह से बहुत अच्छा है। वृंदावन में सब गाड़ी में अपना अपना सामान भर के लाए और वहां रहे। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन श्याम सुंदर ने माखन चोरी लीलाएं की, अपनी बाल गोपालों की टोली बना बना करके गोपियां श्याम सुंदर को बहुत चाहती थी, बुलाती थी, कहती थी श्याम सुंदर क्या तुम जसोदा के घर का ही माखन खाओगे, कभी हमारे घर का माखन नहीं खाओगे। गायें कहती थी गोविंद जसोदा मैया का ही दूध पियोगे, कभी हमारा भी दूध नहीं पियोगे, कभी हमारे पुत्र नहीं बनोगे। श्याम सुंदर ने कहा, मैं सबका पुत्र बनूंगा, सबका दूध पीऊंगा, सबका माखन खाऊंगा, सबके भाव इच्छाएं पूरी करूंगा। और श्याम सुंदर गोपियों के घर में जाते थे, मक्खन चुराते थे, गोपियां पकड़ लेती और उन्हें बहुत सताती थी, चारों ओर से घेर कर बैठ जाते थे और कहती थी कन्हैया नाचो, नाच दिखाओ, नाच दिखाओ, हम तुम्हें छाछ पिलाएंगे, छाछ पिलाएंगे। और श्याम सुंदर को छाछ पिला पिला करके वो नचाती थी। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन देखो शेष महेश गणेश दुनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे, आदि अनाद अनंत अखंड अछेद अभेद सो भेद बतावे। नारद से शोक व्यास रते पचे हारी तहु को ने पार न पावे, ताए अहीर के छोहरिया छची आवरे छाछ पे नाच नचावे, ताए अहीर के छोहरिया छची आवरे छाछ पे नाच नचावे। सुखदेव जी कहने लगे, राजन ये सब प्रेम के कारण है, इसको शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाए निरंतर ध्यावे, आदि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सो वेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचे हारे तउ पुन पार न पावे, ताए अहीर की छोवरिया थोड़े से छाछ पे नचा रहे हैं, श्याम सुंदर को परेशान कर लेती हैं। श्याम सुंदर दंगा करके मैया से कहते हैं, मैया ये गोपियां मुझे बहुत सताती हैं, गोपियां बहुत बुरी हैं। मैया कहती लाला उनके पास मत ही जाया करो, परंतु भक्तों की भावना माखन चुराते ग्वाल वालों को साथ लेकर के माखन चोरी की, मटकियां फोड़ करके भाग जाते, पूरे वृंदावन में सब अपन अपने माखन की होशियारी करने लगे और गोपियां श्याम सुंदर के दर्शन के लिए कोई ना कोई उलाना लेकर के मैया के पास जाती और कहती हमारे पास ये आए, कहीं तो उलाने के बहाने देखने के दर्शन करने के लिए जाती और बुलाती भी। गोपियां गोपियों की सास माखन निकालती और कहती लाला चलो जा फलानी जगह धरो है, छपके से खाया, अब वो बहू तो अपने काम में लगी होगी, वो ही बुलाती थी, वो ही माखन खिलाती थी और वो ही शिकायत करती थी। गोपी माखन चोर लीला श्याम सुंदर ने बहुत अच्छी की, ये गोपियों का भाव था। एक दिन गोपियां गई, मैया तेरो लाला बहुत परेशान करे,
का करे, हमारी मटकियों को तोड़ दे, हमारे माखन को खा जाए। जिसके घर में माखन हो वो तो माखन खा जाए, और बचो खुचो होता है बंदरन खवाए दे। जिसके घर में माखन नहीं तो कछु न कछु काम बिगाड़ दे। यशोदा मैया कहने लगी, ऐसे मैं नहीं मानूंगी, मेरे लाला को पकड़ के बताओ, तुम वैसे ही नाम लगाते हैं। गोपियां कहने लगी, मैया इसे बरज ले। हरी चोरी करे तो डोले, श्याम मोसे मीठो न बोले। अरे मीठो न बोले हम तो नीको न बोले। हरे चोरी करे तो डोले, श्याम मोसे मीठो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोसे मीठो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोसे मीठो न बोले। करते थे मैया से, मैया कहने लगी, काना लाला तू ऐसो काम कायदो करे। दादी की तेरी बदनामी हो जाएगी, हमारे घर में सब कुछ है फिर भी तू चोरी करवे जा। कन्हैया कहने लगी, ना मैया मैं नहीं जाऊं, मैं कब के घर में नहीं जाऊं, मेरे काका में सो मैं किसी के घर में चोरी करवे जाऊं। हाँ लाला वही तो बात है। कन्हैया ने गुस्सा होकर के
आना जाना बंद कर दिया। अब गोपी कहने लगी अब श्याम सुंदर अब आता नहीं है, अब बिन के दर्शन किए बिना चैन नहीं पड़ता। एक गोपी कहने लगी तूने तो शिकायत करी कन्हैया की यशोदा मैया से, अब वो रुष्ट हो गया अब नहीं आएगा। तब सब गोपी अपन अपने घरों में प्रार्थना करती हैं, हे कन्हैया तेरे बिना तो जी सब सोना ही सोना है, तू नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कहने लगे सुनिए गोकुल नगरिया, सुनिए गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। सुनिए गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया, गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया, गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। सुनिए
बछड़ा एक एक जीव है, उन्हें श्याम सुंदर बंधन से मुक्त करना चाहते हैं, वो सबको बंधन से मुक्त करना चाहते हैं, मुक्ति देते हैं, इसलिए वो सबको बंधन काटने के लिए संसार में आए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने माखन लीला का वर्णन किया। श्याम सुंदर माखन छीन छीन करके खाते हैं, गोपियों को रास्ते में रोक लेते हैं। श्याम सुंदर से गोपियां कहती हैं, गोविंद हमारा रास्ता छोड़ दो, मत ही रोको, हमें परेशान मत करो। श्याम सुंदर रास्तों में रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम्हें माखन देना ही पड़ेगा, हमें माखन खिलाओ, हम तुम्हारे स्वामी हैं। नाना प्रकार के उन पर प्रभाव डालते थे और कहा, माखन बेचने के लिए हम कहीं नहीं जाने देंगे। गोपियां जबरदस्ती माखन बेचने के लिए जाते और रास्ते में श्याम सुंदर रोक लेते और कहने लगे, कहा जाए रही ग्वालिनिया, कहा जाए रही ग्वालिनिया, तनक माखन दे जा।
राजन कुछ समय श्याम सुंदर कहने लगे मैया अब हम गैया चरावे को जावे करेंगे। मैया ने कहा लाला अभी तो छोटो है अभी नहीं। मैया ने कहा कि अभी तो छोटा है गैया चराने लायक नहीं है। श्याम सुंदर रुष्ट हो जाते हैं। तब मैया ने देखा कोई बात नहीं लाला अभी तुम छोटे है ना तो तुम छोटे छोटे बछड़ाओं को चराने के लिए ले जाया करो। तो कृष्ण बलराम बाल गोपाल सभी छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए ले जाते और कंस ने इधर विचार किया अब ये सब गोकुलवासी वृंदावन पहुंच गए और जिसने पूतना को मारा कागासुर को मारा तृणाव्रत सटकासुर और अभी वो जीवित है। आकाशवाणी ने कहा मेरा मारने वाला वो अभी तक मुझे पता नहीं है। उन्होंने अपने राक्षस बत्सासुर को भेजा गृहीत्वा परा पादाभ्यां सहला गोलमचयतु ब्राह्मित्वां कपितताग्रे प्राहेणोदगत जीवितम। बत्सासुर गया बछड़ों में मिलकर के और श्याम सुंदर को मारने की कोशिश करता था। श्याम सुंदर समझ गए और जैसे बत्सासुर बलदाव को श्याम सुंदर को लातों से मारने के तैयार हुआ मारने लगा तब उनके दोनों पैर पकड़ करके घुमा करके पृथ्वी पर पटक दिया बत्सासुर को मार दिया। पूतना का भाई बकासुर गया स्वयं स्वयं वत्स कुलम सर्वे पायस्यन्त एकदा गत्वा जलासाभ्यासं पायत्वा पपूर जलम। बकासुर गया यमुना जी के किनारे जाकर के खड़ा हो गया और श्याम सुंदर ग्वाल बाल गए देखा अरे भैया ये इतना बड़ा बगुला
सब ग्वाल बाल डर करके भागने लगे कि ये तो कोई राक्षस होगा, भाग जाओ। श्याम सुंदर देखा कि ये बकासुर है। श्याम सुंदर पास में गए और कहा, देखो ये नहीं किसी को मारता, कुछ नहीं करता। सबे बेवको नाम महान सुरो बकरूपद्रक आगत्यम सहसा कृष्णम ते चरण तुंडो अग्रसद वली। ऐसे श्याम सुंदर वहां गए और बकासुर ने उनको चेच में उठाया, निगलने का प्रयास किया और श्याम सुंदर को निगल गया। सब ग्वाल बाल चिल्लाने लगे, कन्हैया दूर भागया, दूर भाग जा। कन्हैया ने कहा, चिंता मत करो, ये कुछ नहीं करेगा। श्याम सुंदर को निगल गया। श्याम सुंदर ने अपने आप को अंदर में इतना अग्नि प्रकट कर दी, बकासुर सोचने लगा ये मानो मैंने अग्नि का देखता हुआ कोला निगल लिया है। और बकासुर ने उन्हें बाहर फिर छोड़ दिया। श्याम सुंदर को दोबारा निकलने के लिए हुआ, उन्होंने दोनों छेच पकड़ करके बकासुर को चीर डाला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।